वफाकी हुकूमत को वो वार्निंग दे रहे हैं, हमारे वाजिबात फौरी अदा करें। वज़राए वज़ीर आला के पी गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब आज़ाद कश्मीर के वज़राए ख़जाना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जब से रिजीम चेंज हुआ हुकूमतें मुश्किल दौर से गुजर रही हैं, वफाकी हुकूमत को वार्निंग दे रहे हैं, हमारे वाजिबात फौरी अदा करें। वज़राए आला के पी गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब आज़ाद कश्मीर के वज़राए ख़जाना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला की पंजाब और आज़ाद कश्मीर के वज़राए ख़जाना के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, वफाकी हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा हमारे मुआशी मसाइल हैं, बार बार कहा मगर हल न हुए। मैं आज सिर्फ उसको वार्न करना हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारे वाजिबात हमारे पैसे दे दे, वो हमारा हक है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। 189 बिलियन खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त दिसंबर तक इनके ऊपर हमारे बकाए जाते हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद वफाक के खिलाफ शिकायत करते हुए बोले गिलगित बल्तिस्तान का बजट 40 अरब से 25 अरब कर दिया गया है। 17% ग्लेशियर कवर है जिसमें हर साल सैलाब आता है। पाकिस्तान में दूसरे खित्तों में तो आज सैलाब है, अब जी भी वो खत्ता है जहाँ से आपको 40% तो खाली 70% तो इंडस्ट्री वाल उधर से पानी आता है। हम तो हर साल ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और इस साल भी हमारा रूटीन का सेल फ्लड आया हुआ, तो हम 1.5 अरब 2.5 अरब में कैसे ये सुबह चलाएंगे। वजीर खजाना पंजाब मोहसिन लगारी ने कहा 167.4 बिलियन रुपए पंजाब के हैं जो वफाक नहीं दे रहा। इस वक्त वफाकी हुकूमत सूबों के साथ उनके तआवुन का जो लेवल है वो बहुत ही कम है, एज इफ हम मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं, ऐसे जैसे हमारी कोई आपस में फेडरेशन नहीं है, शायद ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं और जो शायद आपस में एट वॉर हैं। वज़ीर ख़ज़ाना आज़ाद कश्मीर अब्दुल माजिद खान ने कहा इन्होंने आते ही सबसे पहले कश्मीर को निशाना बनाया। लास्ट ईयर जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तो 6000 अरब FPR ने टैक्स कलेक्शन की, अगर उसका 3.64 देखा जाए तो ये 200 अरब से ऊपर का टैक्स जो हमारा शेयर बनता है और ये लाइबिलिटी है फेडरल गवर्नमेंट की और ये कमिटेड शेयर है हमारा जो इन्होंने हमें हर दो सूरतों में देना ही देना है। वजीर खजाना आजाद कश्मीर ने मजीद कहा इमरान खान ने पहली बार लाइन ऑफ कंट्रोल पर बैठे अवाम के लिए हेल्थ कार्ड का मंसूबा शुरू किया, इन्होंने आते साथ ही इसे भी खत्म कर दिया। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।